हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीडी देशमुख मतलब चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख ब्रिटिश शासन के अधीन आईसीएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्नर थे। उनका पूरा नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख तथा उनका जन्म 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम द्वारकानाथ गणेश देशमुख था और माता का नाम भागीरथीबाई था। वहीं उनकी पत्नी का नाम दुर्गाबाई देशमुख था, जो भी इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश राज ने सीडी देशमुख को सर की उपाधि दी थी। इसके पश्चात उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी सेवा की थी। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख ब्रिटिश शासन के अधीन आईसीएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्नर रह चुके हैं। सीडी देशमुख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे। उनको 1975 में राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण के अलंकरण से सम्मानित किया है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। सीडी देशमुख के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे तो उनका जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नाते में एक चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार में प्रतिष्ठित वकील द्वारकानाथ गणेश देशमुख के यहाँ 14 जनवरी 1896 ईस्वी सन को हुआ था। उनकी माता भागीरथीबाई थी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। इनका बचपन रायगढ़ जिले के रोहा में ही बीता था। इनके परिवार अत्यंत समृद्ध था और भूमि जोत पृष्ठभूमि की सार्वजनिक सेवा की एक परंपरा से जुड़ा हुआ था। देशमुख एक शानदार अकेडमिक करियर रहा है। उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से 1912 में मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और संस्कृत में पहली बार छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसके पश्चात 1917 में उन्होंने येशु कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड से वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जहां उन्हें वनस्पति विज्ञान में फ्रैंक स्मार्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंततः वे 1918 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल रहे। देशमुख ने 1912 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। साथ ही उन्होंने संस्कृत की जगन्नाथ शंकर शेठ छात्रवृत्ति हासिल की। 1917 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंस से वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र लेकर ग्रेजुएशन पास किया। साथ ही उन्होंने वनस्पति शास्त्र में फ्रैंक स्मार्ट प्राइज भी जीता। 1918 में लंदन में आयोजित इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में वह बैठे और उन्हें सफल उम्मीदवारों में पहला स्थान प्राप्त हुआ। 1939 में देशमुख रिजर्व बैंक के लाइजन ऑफिसर बने। इनका काम बैंक व्यवस्था तथा सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना था। 3 महीने के भीतर ही अपनी कार्यकुशलता के कारण देशमुख बैंक के सेंट्रल बोर्ड के सेक्रेटरी बना दिए गए। 2 वर्ष बाद वह डिप्टी गवर्नर बने तथा 11 अगस्त 1943 को उन्हें गवर्नर बना दिया गया। यह पद उन्होंने 30 जून 1949 तक संभाला। 1939 में देशमुख रिजर्व बैंक के लाइजन ऑफिसर बने। इनका काम बैंक तथा सरकार के बीच तालमेल बनाना था। 2 वर्ष बाद डिप्टी गवर्नर बनने के बाद 11 अगस्त 1943 को उन्हें गवर्नर बना दिया गया था। वह 30 जून 1949 तक संभाला। अपने कार्यकाल में देशमुख एक बेहद प्रभावी गवर्नर सिद्ध हुए। उन्होंने रिजर्व बैंक को निजी शेषन धारकों के बैंक से एक राष्ट्रीय बैंक के रूप में बदले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देशमुख ने बैंकों की गतिविधियों को संयोजित करने के लिए ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करके दिया जो बिना किसी बाधा के लंबे समय तक चल सके। इसी के आधार पर ऋण नीतियों
स्थापना स्थापित की गई और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हो सका। वर्ष 1956 से 1960 के बीच जब चिंतामन देशमुख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे, तब शिक्षा तथा समाज सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार सामने आए, जिनसे विश्वविद्यालयों के कार्यस्तर में देशव्यापी विकास देखा जा सका। चिंतामन मार्च 1960 से फरवरी 1967 तक दिल्ली में विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने रहे। उनके कार्यकाल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बेजोड़ काम नाम कमाया। वित्तीय कार्य क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त देशमुख विविध विभागों में कार्यरत रहे। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की 1957 में उनको उपाधि मिली। सन 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। सन 1975 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। सीडी देशमुख संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ के नाम से भी और उनके योगदान के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। सीडी देशमुख ने महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करके मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसले का तीव्र विरोध किया और उसके लिए उन्होंने नेहरू जी को डिक्टेटर भी कहा। साथ ही अपना अर्थमंत्री पद का रिजाइनेशन दे दिया था। इसके चलते पूरे भारत में सीडी देशमुख काफी चर्चाओं में रहे थे। महाराष्ट्र में सीडी देशमुख को लोग काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सीडी देशमुख के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।